हेलो गाइस, तो आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। आज चालू करने वाले हैं हम एक नया चैप्टर मैथ्स का, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पिछले चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 था, उसमें आपने देखा कि एक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, जिसमें आप वेरियस एंगल्स के साथ डील करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। और राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे अगर मैं बोलूं एबीसी है, तो उसमें हमारा एक एंगल होता था 90 डिग्री का। इस वाली साइड को हम बोलते थे परपेंडिकुलर, इस वाली साइड को हम बोलते थे बेस, एंड इस वाली साइड को हम क्या बोलते थे, हाइपोटेनियस। और हमने फिर इससे रिलेटेड एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी थी, जो कि होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपने बेसिक सी चीज पढ़ी थी, बस उसी का ही एक अपडेटेड वर्जन। देखिए, चैप्टर बड़ा आसान है। चैप्टर में मेन फंडा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का। अगर आपको डायग्राम्स बनाने आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री को चालू करते हुए हम इसमें दो एंगल पढ़ेंगे। एक होता है बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे काम करेगा ये देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एक एंगल तो हमेशा याद रहेंगे कि 90 डिग्री का बनेगा ही बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं एक बिल्डिंग है जो जिसका नाम है ए बी। एक बंदा, हमारा नाम इस बंदे का है सोनू, ठीक है। अब ये सोनू क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप पे सोनू की गर्लफ्रेंड खड़ी है। क्या खड़ी है बच्चों, गर्लफ्रेंड खड़ी है। सोनू उसको ऊपर की तरफ देख रहा है। क्या कर रहा है सोनू, उसको ऊपर की तरफ देख रहा है। सोनू जब उसको ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसका और उस बिल्डिंग का एक एंगल बन रहा है। क्योंकि ये ऊपर की तरफ देख रहा है, इसलिए हम इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जो कब बनता है, जब आप एक ऊपर की तरफ देखते हैं। कि हॉरिजॉन्टल व्यू में आप जब ऊपर की तरफ देखेंगे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब। जैसे ये 90 डिग्री का, मान लेते हैं ये 30 डिग्री का बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम बात करते हैं दूसरा, जो कि है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम इधर ही देख लेते हैं ताकि हम दोनों को कंपेयर कर पाए। तो ये हमने देख लिया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे देखना, डिप्रेस नीचे की तरफ। एलिवेशन आपने जिम में भी यूज किया होगा कि इंक्लाइन और डिक्लाइन मारते जाओ। अब देखो भैया, होली आने वाली है 18 मार्च की, तो मान लेते एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का नाम है ए बी। ऊपर एक बंदे खुराफाती बच्चे बैठे हुए, ये क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ फुग्गा मार रहे, बलून मार रहे। तो अब नीचे एक बंदा आ रहा है, तो अब ये कहा नीचे की तरफ देखेंगे, तो इस जब ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो इस बंदे और इस बिल्डिंग का एक एंगल बन रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको दोनों ही समझ में आ गए। मैंने दोनों को ये सिंपल एग्जांपल से समझाया। एलिवेशन जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला फंडा, जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा बनता है, आपने देख लिया 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो क्योंकि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो ये वाला अगर 90 डिग्री है, ये ए बी सी, ये भी ए, ये भी बी, ये भी सी, तो ये वाला जो एंगल है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एलिवेशन, ये डिप्रेशन। आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। पहले मैं बता दूं क्वेश्चंस कैसे होंगे। आपको एक बिल्डिंग की हाइट दी होगी, हो सकता है कि जैसे गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन था, तो पूछ सकते हैं कि सोनू बिल्डिंग से कितनी दूर पे खड़ा, तो हमें ये बेस निकालना पड़े। फिर ये पूछ सकते हैं कि बच्चे ने फुग्गा कितनी दूर फेंका, तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं। और इसमें पिछले चैप्टर का भी कुछ ना कुछ यूजेज आएगा, तो हम उसे भी एक बार देख लेंगे। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन। A circus artist is climbing a 20 meter long rope, which is tightly stretched and tied
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू अ ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. हमें इस बार फिगर दिया हुआ है तो हम इस बार एक बार फिगर को बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, कुछ ऐसा है, ये पोल है, ये 90 डिग्री का है, पोल का नाम है ए बी सी, हमें दिया हुआ है 20 मीटर और एंगल दिया हुआ है हमें ये वाला 30 डिग्री. मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल. हाइट ऑफ पोल का मतलब क्या है, मुझे ए बी निकालना है. अब बच्चों 2 मिनट समझिए कि ए बी मेरी परपेंडिकुलर है, बी सी ये मेरी परपेंडिकुलर, ये मेरी बेस और ये मेरी हाइपोटेनियस. मुझे हाइपोटेनियस दी हुई है 20, मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर. और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जब आपने करी होगी पिछले चैप्टर में तो आपको याद होगा एक ट्रिक से हम इसको याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. जो आपका पी अपॉन एच होता है इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं सेकंड वाले को कॉस थीटा और इसको हम बोलते हैं टेन थीटा. यह आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में. अब मुझे हाइपोटेनियस दी हुई है, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर. कहीं ना कहीं मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का ही है, बेस का तो मुझे कुछ काम नहीं है बीसी, तो मैं पी अपॉन एच ले सकता हूं. मुझे दिख रहा है पी अपॉन एच जो क्या है साइन थीटा. साइन थीटा किसके बराबर होता है, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. ये ट्रिक है. अब साइन थीटा कितने का एंगल बन रहा है, 30, तो वो जाएगा साइन 30. परपेंडिकुलर कितना है, मुझे निकालना है जो कि मेरा ए बी है. हाइपोटेनियस कितनी है, 20. अब साइन 30 मुझे देखना पड़ेगा कितना होता है. सर ये कैसे देखेंगे, बच्चों अगर आपको याद हो तो आपने पिछले चैप्टर में ये टेबल पढ़ी थी, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा. सर हम क्या आप ये टेबल याद करें, नहीं टेबल आपको याद नहीं करनी है. टेबल में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो आपका टेन थीटा रहेगा. टेन थीटा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि साइन थीटा का भी कभी कभी यूज आ जाता है. अभी साइन 30 कितना है, 1/2. साइन 30 की जगह मैंने 1/2 लिख दिया, ए बी अपॉन 20. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 2 ए बी होगा, 2 नीचे आ जाएगा तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर. तो हमारा जो पोल की हाइट आ रही थी वो कितनी आ गई आपकी, 10 मीटर. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा होगा. धीरे धीरे जब आप इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी. चलिए अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ अ ट्री टचेस द ग्राउंड मेक द एंगल 30 डिग्री. एक ट्री है, वो ट्री स्टॉर्म की वजह से गिर गया तो उसने एक एंगल बनाया 30 डिग्री का, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. फुट ऑफ द ट्री ये है और ये टच हुआ है तो ये 8 मीटर है. निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब मुझे ए बी निकालना है. ठीक है, अब ए बी निकालना है, ये मेरा एंगल बन रहा है. अगर मैं बच्चों ए बी निकालना है मुझे मतलब परपेंडिकुलर निकालना है और ये मुझे बेस दिया हुआ है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, 10 30, बट 10 30 आपका पी अपॉन बी होता है. और बच्चों एक चीज बता दो कि कुछ इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए, जैसे 10 30 होता है 1/√3, फिर 10 60 होता है आपका √3 और 10 45 होता है आपका 1. तो ये कुछ एंगल्स हैं जो आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज में आएंगे. ठीक है, तो पी अपॉन बी, बट बच्चों क्योंकि एंगल हमारा यहां पे बन रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशन होती है कि जब भी एंगल यहां बन रहा है तो एंगल की जो सामने वाली साइड होती है, जैसे इस एंगल के सामने वाली साइड बीसी, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसकी जो साथ वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस. जो भी एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस होती है. अगर फॉर एग्जाम्पल एंगल यहां बन रहा होता तो ये होती है इसकी परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली होती है बेस. हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होती, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगी. तो 10 30 जो कि होता है 1/√3. अब मेरा परपेंडिकुलर कितना हो चुका है, 8. बेस तो मेरा कितना है, ए बी, जो कि मुझे निकालना भी है. मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी ए बी की वैल्यू आएगी 8√3. तो मेरा जो ट्री की लेंथ आ रही है या जो ट्री की हाइट बोल लो तो वो है मेरी 8√3. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अब अपन एक काम करते हैं, अब आपको एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है.
अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 अभी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और बात करेंगे। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। हम अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है शुरुआत के, इसलिए अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। भैया एक काइट है जो कितने मीटर पर चल रही है ग्राउंड से, 60 मीटर, ठीक है, ये हमें दे दिया है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, मतलब जो रस्सी उससे बांधी गई है उसको हमने ग्राउंड पे अटैच कर दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब जो एंगल बन रहा है, इंक्लिनेशन मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें क्या निकालनी है, जितनी भी धागा लगाया या जितनी भी आपका वो है लेंथ है रोप की वो कितनी है, अज्यूमिंग डेट देर इज नो स्लैक, तो बेसिक्स है। तो देखिए कुछ ऐसा बन रहा है डायग्राम, अब खुद ही सोचिए मुझे क्या निकालना है। मैं इसको नाम दे देता हूं एबीसी, मेरे पास 60 मीटर परपेंडिकुलर है, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मुझे डिस्टेंस नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है एसी, एसी मेरा क्या है हाइपोटेनियस, तो मुझे देखना पड़ेगा पी अपॉन एच पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, जो कि होता है साइन थीटा, पता होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब साइन कौन सा एंगल, 60 एंगल जो उसने दिया हुआ, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 60, हाइपोटेनियस कितनी है एसी जो कि मुझे निकालनी है, साइन 60 होता है रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 120, 60 इंटू 2 एसी इज इक्वल टू 120 अपॉन रूट 3, बोल सकते कि हमारा फाइनल आंसर है, बट इसी को हम रैशनलाइज करें अगर शॉर्ट बनाना चाहें तो हम दोनों को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको रैशनलाइजेशन आता होगा, 9th क्लास में सीखा है, तो वो हो गया 120 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, 3 3 से 20 कट जाएगा 40, तो आपका जो एसी की वैल्यू आएगी वो आएगी 40 रूट 3, ये आपके जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आ गई। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि हम कैसे करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से कठिन क्वेश्चन है तो उसके कारण हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राधे राधे।